इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है? सिंध में हलका बंदियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सवाल। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। हलका बंदियां अवामी मफाद का मामला है। सिंध में हलका बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। वहां अक्सर ये गिला किया जाता है कि हलका बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन हलका बंदियों के तरीकाकार को शफाफ बनाए। पीएस 7, 8 और 9 शिकारपुर की हलका बंदियां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत किए बगैर 13 बिल्स वापस वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दिए। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल वापस। बिल पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार देने से मुताल्लिक था। नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तरमीमी बिल भी वापस। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल पर भी दस्तखत न किए। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल भी वापस भिजवा दिया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी वापस कर दिया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल्ला काकर काबीना की तश्कील में मसरूफ। करीबी रुफका और अहम शख्सियात से सलाह मशवरे। निगरान काबीना को मराहिल में तश्कील देने की तजवीज। खजाना, खारजा, दाखला, इत्तलात नशरियात के वजरा पहले मरहले में हल्फ उठाएंगे। कानून और इंसाफ के वजरा अभी पहले मरहले में हल्फ उठाएंगे। टेक्नोक्रेट्स और अहम रिटायर्ड शख्सियात काबीना में शामिल करने का फैसला। सरफराज बुगटी, हाशिम डोगर को काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। मारूफ बैंकर मोहम्मद जुबैर का नाम वजीर खजाना के लिए जेर गौर। जलील अब्बास जिलानी निगरान वजीर खारजा। शुएब सदल निगरान वजीर दाखिला के लिए फेवरेट। निगरान वजीर कानून के लिए अहसन भून का नाम जेर गौर। निगरान वफाकी हुकूमत को पहले मुश्किल फैसले का चैलेंज। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे का वर्किंग पेपर तैयार। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफे की तजवीज। जराए के मुताबिक ओग्रा का कीमतों में इजाफे से मुतालिक वर्किंग पेपर पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल हो गया। हतमी फैसला सेक्रेटरी खजाना की निगरान वजीर आजम से मुशावरत के बाद होगा। वजारत खजाना निगरान वजीर आजम की मंजूरी के बाद रात को नोटिफिकेशन जारी करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरान वजीर आजम के लिए डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज हुआ था और उस पर किसी सम से इख्तलाफ नहीं था। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौके बोले, दरगुजर का दर्स देने से पहले सदर अलवी अपना माजी भी सामने रखें। इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। जब तक रिस्क जीरो नहीं हो जाता, हम नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। यकीनी नहीं है, इम्कान है, नवाज शरीफ अगले माह वापस आ जाएंगे। रहनुमा नून लीग अताउल्ला तारड़ की न्यूज वन के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी अटल है। नवाज शरीफ हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। अनवारुल हक का नाम कहीं से नहीं आया। मुशावरत से निगरा वजीर आजम बनाया गया। इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। पीटीआई के पास उम्मीदवार नहीं है, फायदा नून लीग को मिलेगा। सदर मुमलिकत ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर के दस्तखत के बाद पैमरा तरमीमी बिल कानून का हिस्सा बन गया। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से गुफ्तगू में सदर आरिफ अलवी का कहना था कि सरकारी इश्तहारात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी से जोड़ने से उनके मसाइल के हल में मदद मिलेगी। नौजवान फेक न्यूज से सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। मीडिया नौजवानों को फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में आगाह करे। साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की पैमरा तरमीमी बिल मंजूर होने पर मीडिया बिलखसूस मीडिया वर्कर्स को मुबारकबाद। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की तकरीब हल्फ बरदारी कल मुतवक्के। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी हल्फ लेंगे।
निगरा वजीर आला बलोचिस्तान के नाम पर ताहाल इत्तेफाक न हो सका। वजीर आला और अपोजिशन लीडर के पास फैसले के लिए आज आखिरी रोज। अपोजिशन की जानिब से उस्मान बादीनी और हमल कलमती का नाम तजवीज। हुकूमत की जानिब से तीन नाम अपोजिशन लीडर के सुपुर्द। खैबर पख्तूनख्वा की निगरा काबीना में नए चेहरों को शामिल करने पर गौर। बाज नाम फाइनल भी कर लिए गए। रवां हफ्ते हल्फ बर्दारी का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का साबिक वजीर आजम, वज़ीरे आला और काबीना अरकान से सरकारी गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। सरकारी रिहायशगाहें भी खाली करने की हिदायत। निगरान वजीर आजम, वज़ीरे आला और काबीना अरकान के असासों की तफसीलात तरफ। खत के वतन के मुताबिक विफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतें कानून के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर मामला चलाएं। निगरान हुकूमतें इलेक्शन में दबाव और खलल डालने की कोशिश न करें। मेरा एक बेटा था वो चला गया। मलीर मेमन गोट कराची में 2.5 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान से गया। इकलौते बेटे को हमेशा के लिए खोने पर घर में कोहराम मच गया। वालिदैन गम से निढाल कहते हैं एक ही बच्चा था, इंसाफ के लिए किसके पास जाऊं। लवाहिकीन के मुताबिक घर के सामने कई दिन से मैनहोल खुला हुआ था। मुतअद्दिद बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की बच्चे के अहले खाना से मुलाकात। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। सखर में सीनियर सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज। मुकदमे में 6 दहशतगर्द नामजद। कत्ल के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सहाफियों का एहतजाज। वुकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। ओपन मार्केट में डॉलर की फिर ट्रिपल सेंचुरी। अमरीकी डॉलर 4 रूपए के बड़े इजाफे से 300 रूपए पर बंद हुआ। इंटर बैंक में भी डॉलर 3.02 रूपए महंगा होकर 291.51 रूपए पर पहुंच गया। सोना भी 1100 रूपए महंगा, फी तोला कीमत 2,22,900 रूपए हो गई। कराची वालों पर फिर बिजली गिराए जाने का खदशा। 1 साल के लिए फी यूनिट बिजली पर 1.52 रूपए सरचार्ज लगाने की तैयारी। नेपरा ने विपाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा का सार्फीन से टैक्सेस वसूली के हवाले से जायजा सेशन जारी रखने का भी फैसला। नेपरा की पावर डिवीजन को टैक्स वसूली की तफसीलात जमा। हुकूमत का काम लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करना है। मुआशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखेंगे, मजीद इक्तिसादी बेहतरी लाएंगे। निगरान वजीर आजम की मुख्तलिफ वजारतों के इजलास में गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ को मुख्तलिफ वजारतों के अहम उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। बोले अवामी फलाही मनसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इकदाम तरजीहात में शामिल हैं। पावर सेक्टर में जारी असलाहत पर अमल दरामद मजीद तेज किया जाए। टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इकदाम पर सख्ती से अमल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानत कबलज गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। जिले अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसी कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो जाएं, अच्छा नहीं लगता कि जमानतें खारिज कर दी जाएं। डीआईजी ऑफिस में तोशाखाना घड़ी केस में जाली रसीदें देने पर बुशरा बीबी से तफ्तीश भी की गई। अटक जेल में बुशरा बीबी ने शौहर से मुलाकात भी की। सरकारी ठेकों में घपलों और किकबैक्स केस में चौधरी परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। नैब वकील ने मौकिफ अपनाया कि मुलजिम ने कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए मंसूबों की मंजूरी दी जिसके सबूत मौजूद हैं।
साबिक वफाकी वजीर समसाम बुखारी ने भी पीटीआई छोड़ दी। जल्द इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद कहा, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई वाकयात की मजम्मत करता हूँ, न कभी तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखा न रखूंगा। ये मुल्क हमारा है और इदारे हमारे हैं और हमें मिलकर मुल्क के लिए काम करना है। इंतखाबात से कबल इंतजामी अफसरान को तब्दील किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी सिंह को खत लिख दिया, कहा कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स एसएसपीज के तबादले और तकरियां की जाएं। तबादलों का मकसद शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाना है। सिविल जज के अहलिया के तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की तबीयत में मजीद बेहतरी। डॉक्टर जोदत सलीम के मुताबिक बच्ची के जख्म गहरे होने से अभी तक प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकी। बच्ची के जख्मों में अभी भी इन्फेक्शन बाकी है। बच्ची का नफसियाती इलाज भी जारी है। कराची में खवातीन के भी डकैतियों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। नॉर्थ नाजमाबाद में शहरी से 19 लाख रुपए छीनने की कोशिश करने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने साथियों के हमराह शहरी से लूट मार की। मजाहिमत पर उसके साथियों की फायरिंग से राहगीर जख्मी हो गया। लाहौर वहदत कॉलोनी में ख्वाजा सरा ने रक्षा ड्राइवर को कत्ल कर दिया। इकबाल टाउन पुलिस ने ख्वाजा सरा अदनान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक रक्षा ड्राइवर ने ख्वाजा सरा को सवारी से भीख मांगने से मना किया था।